इसका मतलब, लेकिन लाइट का थ्रो बहुत ही अच्छा है इसका। बाकी ये पूरा ओरिजिनल है, जी जी का पूरा रियल प्रोडक्ट है। इसलिए भैया कि अभी बाइक का काम नहीं होगा, बहुत सारा बाइक का काम है अभी, तो रात का 12 बजने वाला है और चेहरे भी मेरे 12 बजने वाला है पूरा। और राइट यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज बाइक पे हूँ और एक मॉडिफिकेशन करेंगे हम। आप जानता हूँ यही बात ही मैं बोलता हूँ, हर वक्त बस मॉडिफिकेशन वीडियो लाता हूँ। ये बात मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि तू बस हर वक्त मॉडिफिकेशन वीडियो ही लाता है, कभी मोटोब्लॉग भी लाया कर, या तेरे पास तो मतलब सेटअप है, तू मोटोब्लॉग क्यों नहीं करता। तो एक चीज़ आपको बोल देता हूँ, मैं मोटोब्लॉग करना चाहता हूँ लेकिन मोटोब्लॉग क्यों नहीं कर सकता, मेरे माइक का जो इशू आ रहा है। बहुत लोग वही बोल रहे हैं कि भाई तेरा माइक का इशू आ रहा है, माइक क्लियर नहीं आ रहा है, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो मोटोब्लॉग करने का मन भी उठ जा रहा है उसमें, और कर रहा हूँ बहुत सारा, किया है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मोटोब्लॉग किया है लेकिन छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका माइक का जो ऑडियो होता है वो थोड़ा क्लियर नहीं आता। मतलब ऐसा, अगर क्लियर आ रहा होगा भी, मतलब खरखर खरखर आ रहा हो, वो आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि आपको बहुत बार दे चुका हूँ, मतलब वीडियो क्लिप छोड़ा हूँ यूट्यूब पे, तो आप अगर देखे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा क्या प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हमने एक मतलब अपडेट किया है। तो इधर आपको देखा जाता है हमारा हेलमेट का सेटअप। तो ये हमारा सेटअप था पूरा, इसका तो हर सब वीडियो आ चुका होगा। तो ये मेरा जो एनजी का कैमरा है, ये हम मतलब ये जो कैमरा है एनजी का, इसको मैं यूज़ करता था यहाँ पे। तो इसका वही ऑडियो के प्रॉब्लम के लिए इसको निकाल दिया हूँ अभी, इसको अभी ऐसे ही माउंट पे इसको रख दिया हूँ घर में। इसको कभी कभार यूज़ करूँगा बीच बीच में अनदर शॉर्ट्स के लिए। तो इधर मैं क्या अपडेट करने वाला हूँ, अगर आपको कुछ मालूम है तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि आपको क्या अपडेट करने वाला है इधर आपको। अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला, अगर आपको पता लग रहा है कि क्या करेंगे वहाँ पे, क्या अपडेट होगा, तो नीचे कमेंट करके बताना मेरे को, अगर आपको क्या लग रहा है क्या वहाँ पे अपडेट होगा हमारा। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक पे, और जो मॉडिफिकेशन कराएंगे वो आपको बोलता हूँ आज का, मतलब क्या मॉडिफिकेशन कराएंगे। ये पूरा ब्रेम्बो का किट है, दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ से हमने इसको ऑर्डर किया था फ्लेयर से, ये वाला, और यहाँ से जो ऑर्डर किया था, यहाँ पे देखिए ब्रेम्बो का आ रहा है, कुछ इस तरह इसका बॉक्स आता है ये वाला। यहाँ से थोड़ा मतलब पानी वानी लगती है, थोड़ा ख़राब हो गया था आते वक्त। तो ये हमारा पोस्टल से आया था, तो ये कुछ इसका आता है, ये उसका ब्रेम्बो का कार्ड है। आर यू रेडी फॉर द ओरिजिनल पार्ट्स? तो इसको रखते हैं साइड पे। और ये कुछ उसका स्टिकर है, इसको बाइक पे लगा देंगे इसको। और ये अपना जो उसका क्या बोलते हैं कैन है, ये थोड़ा बिग साइज का कैन है इसका, इसको लगाएंगे। और यहाँ पे अपना, तो अपना ये वाला है, ये क्लच है अपना। तो मैंने हाइड्रोलिक क्लच ऑर्डर नहीं दिया था, नॉर्मल क्लच ही ऑर्डर दिया था इसका, क्योंकि मेरे को हाइड्रोलिक क्लच पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा पावर का इशू होता है, बहुत लोग बोलते हैं। तो इन फ्यूचर कभी होगा तो उस पर अपडेट करेंगे अपना बाइक पे। तो इधर क्या होता है, उसका जो क्लैंप आता है ये वाला, ये आता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का उसका नट वट सब है यहाँ पे अंदर। और ये है उसका मेन पार्ट, दिखाता हूँ आपको, वट सेकेंड। ये अपना मेन चीज़ जो है अपना ब्रेक का, फ्रंट ब्रेक का, ये अपना अपडेट होगा आज। और यहाँ पे कुछ उसका स्क्रू व्रू आता है, और एक पाइप है उसका जो यहाँ से ऐसे लगेगा यहाँ पे ऐसे करके। तो अभी जाते हैं, इसको अभी इंस्टॉल करेंगे बाइक पे। तो अभी जाएंगे, आपको पता होगा हम कहाँ पे करते हैं ये सब, जाएंगे अभी एक्सपाइकर पे, वहीं पे इसको स्टार्ट करेंगे अपना अपडेट। तो चलते हैं फिर, आपको मिलते हैं डायरेक्ट जाके एक्सपाइकर पे। तो अभी टाइम हुआ अपना 4:18 हुआ है। तो बोले भैया कि अभी बाइक का काम नहीं होगा, बहुत सारा बाइक का काम है अभी, तो बोले रात को 8 आना, उसके बाद अच्छे से फ्री पॉइंट में अपना काम करेंगे छुट्टी होके। तो वेट करेंगे अभी होगा, नहीं तो नहीं होगा अभी अगर, तो निकल जाएंगे घर, फिर आएंगे 8 रात को। तो देखते हैं क्या करते हैं, अगर होगा तो वेट करेंगे, नहीं होगा तो फिर घर जाके रात को 8 फिर आऊँगा और एक बार, उसके बाद बाइक का काम शुरू करेंगे, क्योंकि अपना जो काम है बहुत टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग काम है। तो देखते हैं फिर क्या करते हैं आगे। अभी बहुत सारे यहाँ पे बाइक है, वहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इधर भी दो बाइक है। तो काम करने में बहुत उनको टाइम लगेगा, बोल रहे हैं 8 तक टाइम दो, उसके बाद उसके अपना बाइक का काम शुरू करेंगे। तो देखते हैं फिर क्या करते हैं। बाइक का जो ये जीजी का जो लगा है दोनों तरफ, इस तरफ और उधर, ये वाला दोनों जो फॉग लाइट लगा है इसमें, इसमें क्या हुआ, जो मैंने वीडियो किया था, जो ब्लॉग किया था इधर आके,
तो गलती से मेरे हाथ से क्या हुआ, मतलब गैलरी से उसको उड़ा दिया था पहले से, क्योंकि अपना VN में एडिट करता हूँ तो वहाँ पर रखा था, तो गलती से अपना आप भी कट मतलब स्टोरेज ले रहा था, तो गलती से मतलब ध्यान में नहीं आया और आपको डिलीट कर दिया, तो दोनों ही उड़ गया। तो इसका एक बस रिव्यू वीडियो ला दूंगा इसका, तो इसका तो जो मैं कैसे फिटिंग किया क्या सब ब्लॉग पर उड़ गया, तो देखेंगे इसका। जस्ट नॉर्मली ऐसे ही वीडियो ला दूंगा इसका, मतलब इसका रिव्यू वीडियो कैसे इसको फिटिंग किया था बस बता दूंगा। और इसका मतलब लेकिन लाइट का थ्रो बहुत ही अच्छा है इसका, बाकी ये पूरा ओरिजिनल है, जी का पूरा रियल प्रोडक्ट है। और इसका हमने स्विच को यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ये वाला यहाँ पे, अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी ये इसका डिपर है, दोनों तरफ येलो जलता है, और ये इसका हेड है, ये इसका मतलब हाई बीम है और ये वाला लो बीम है इसका। तो इसका थ्रो भी बहुत दूर अच्छा जा रहा है, यहाँ पे ये लो बीम और ये हाई बीम। तो रात को इसको दिखाऊंगा आपको, इसका एक वीडियो लाऊंगा, इसका थ्रो बहुत ही अच्छा आता है। और ये हमारा काल्या भैया अपने चट्टी बनियान में पहन के इधर घूम रहे हैं, गजब बेइज्जती है। ओ काले चच्चा, चा शर्मा आ गए हमारे। A few minutes later. अभी बाइक का ये थोड़ा पार्ट हम खोलने वाले हैं, तो इसलिए मतलब ब्रेक ऑयल है यहाँ से एक गिरेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे पेपर ली सेट कर लें, पेपर से भी तरह तो कहीं पे ब्रेक ऑयल ना गिरे, कलर फेड ना हो। तो इसको पूरा ऐसा जो मास्टर सेट है इसको पूरा निकालना पड़ेगा, और ये वाला पर निकलेगा और जो बुक है वो यहाँ पर डायरेक्ट फिट होगा, और उसके बाद ये जो हमारे यहाँ पे है इसको वहाँ पे लगाएंगे। पूरा बाइक को ऐसे ढाप दिया इस पर, पूरा कवर कर दिया इस पर, तो वहाँ से पूरा खोलिए उसको लगाएंगे। और क्लच का क्या है, क्लच का ये वाला यहाँ से पूरा डायरेक्ट निकालेंगे, ये इतना सेट है यहाँ पे, ये पूरा इसका ये वाला, इसको यहाँ से पूरा निकाल के नया लगाएंगे यहाँ पे, ये वायर इसका रहेगा, यहाँ से निकल जाएगा बस। तो यहाँ के लिए मैंने हाइड्रोलिक नया ऑर्डर दिया था चार मशीन, हाइड्रोलिक क्लच में क्या होता है पावर जो पिकअप होता है इसका उसको थोड़ा मतलब एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा देखा है इसलिए, तो इसको नहीं ऑर्डर दिया, बस यहाँ पे ऑर्डर दिया है। अगर होगा इन फ्यूचर तो यहाँ पे एक बस उसका जो मास्टर कैन होता है वो बिठा देंगे यहाँ पे, तो मतलब लुक अच्छा आएगा, कोई उसका काम कुछ नहीं होगा, बस लुक के लिए वो लगाएंगे। तो अभी ये जो लगा रहे हैं इसका काम भी होगा, उसके लिए पूरा हमारा जो हाइड्रोलिक का स्विच है इसको निकाल दिया, और इसको यहाँ से निकालेंगे पूरा, इसका यहाँ इसका ऑयल जाता है, इसका पैकेट है यहाँ से निकलेगा ये, तो इसका स्टिकर वो कहीं पे लगाएंगे इसके बाद में। तो अभी ये हमारा सेटिंग कैसे करना था भूल गए थे थोड़ा, अभी देखे बहुत टाइम था तो उसमें कुछ रह गया था क्या, तो हाँ इतना बड़ा जो क्या है उसका मतलब, तो हमने ये नहीं देखा था अंदर था, तो इसको जब देखा तो सोचा कैसे प्लानिंग होगा क्या, तो उसका मास्टर सिलेंडर यहाँ से आएगा, उसका जो क्लीप होता है इतना लंबा वाला दिखाया था उसने, यहाँ से आकर वह यहाँ पे मास्टर सिलेंडर यहाँ पे बैठेगा, तो कैसे बैठाएँ क्या सोच रहे थे, तो अभी उसके बाद जाके ये मिला हमको, तो उसका जो मास्टर सिलेंडर है वो यहाँ पे है, और अभी जो क्लिप लेगा ये वाला लगेगा वहाँ पे, तो ये मेरे को बहुत टाइम सोचना पड़ा, अभी उसके बाद जाकर पता चला नहीं यहाँ पे ऐसा लगेगा, तो उसके बाद फिर इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, और इसका मैंने इसको इसीलिए ऑर्डर दिया था, इसका यहाँ पे उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी है, चाहूँ तो इसको यहाँ से बढ़ा सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। और एक बार में अगर किसी को मालूम है तो नीचे मेरे को कमेंट करके बताना, NSR लिखा है ये क्या लिखा है मेरे को मालूम नहीं है, तो इसका काम भी कि नॉर्थ साउथ हाँ, इसका तो काम क्या मेरे को मालूम है, बस घूम रहा है और किट 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 साउंड कर रहा है, तो क्या होगा इसका काम और किसी को मालूम है तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो और अभी इसको लगाते हैं, अभी यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा, यहाँ से वो फिटिंग होगा वो, और यहाँ से उसका जो एक्स्ट्रा पाइप होता है यहाँ से जाएगा, यहाँ से उसका पंपिंग करना पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरह का इसका सेटिंग होता है। इतना जिसका जो मतलब सेटिंग होता है पहले से ख़त्म करते हैं इसका, और ही बहुत सारा स्क्रू है यहाँ पे, तो ये पूरा हमारा सेटिंग होगा मास्टर सिलेंडर का, तो अभी इसको डायरेक्ट यहाँ पे फिट करेंगे, ये वाला जो नट है इसका इसको यहाँ पे खोलेंगे, इसको यहाँ पे डाल के इसको फिर टाइट मारेंगे वहाँ पे। फिटिंग हुआ, इतना ही फिटिंग हुआ है, इसमें लुक बाइक का लेकिन सक्सी आ रहा है, पूरा ओपी आ रहा है, पूरा सुपर बाइक की जैसा लुक आ रहा है आगे से। अच्छा
हमें क्या क्या ये थोड़ा डाउन हो कि इतना बिठता है, इतना बिठा सकते हैं इसको ऐसे करके, ऐसे ही ये बिठेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इधर, और इसको थोड़ा ऐसे करके बिठाएंगे, मतलब और ही ज़्यादा, मतलब थोड़ा लुक इसका ज़्यादा आएगा इसलिए। सो अभी क्या हुआ, ये जो हमारा ब्रेक लाइन का पाइप है ये वाला, तो ये यहाँ से गया था, तो यहाँ से क्या हो रहा था, इतना शॉर्ट, मतलब यहाँ से इतना नहीं जा रहा था, आगे नहीं जा रहा था, तो क्या किया प्लान करके थोड़ा इसको यहाँ से पूरा निकाल के, यहाँ से अंदर ही पूरा ऐसे घुसा के, यहाँ से नहीं मतलब वहाँ से घुसा के लेकर यहाँ से पूरा निकाले हैं, फिर इस तरह से निकाले। ये पहले यहाँ से आया था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे कुछ था, वहाँ पे ऐसे करके निकल गया था, तो अभी यहाँ से आया है, यहाँ से डायरेक्ट इसको लाया है, तो अभी ये वहाँ पे पहुँच रहा है अभी। तो इसको बहुत ही तामझाम करना पड़ा, आधा घंटा इसमें लग गया, तो अभी टाइम हो चुका है 9:32 हो चुका है, तो इसको पूरा बैंड किया अभी, ये कुछ इस तरीके का पोजिशन में था, तो इसको पूरा ऐसे सी टाइप बैंड किया इसको, और उसके बाद जाके इसको लगाया है इधर, और उसके बाद ये जाको यहाँ पे लगेगा, तो ये भी थोड़ा बैंड है, तो इसको भी थोड़ा ट्राई करेंगे सीधा करने के लिए, और यहाँ पे डायरेक्ट इसको फिट करेंगे, तो अपना कंप्लीट होएगा ये। तो इसके लिए करीबन हमको आधा घंटा 45 मिनट इसमें ही लग गया हमारा, तो इसको टाइट करते हैं, इसके बाद इसको यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे, इसका इसका ब्रेक पंपिंग करना है फिर, तो इसका भी ये सब काम हो चुका है अभी, इसमें बहुत ही झंझट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हाजर सिस्टम मेरा जो सिंटेक का लगा है, ये वाला स्विच यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहा अभी, थोड़ा लूजली इंस्टॉल है ये वाला, तो अभी इसमें क्या है, इसमें ओनली .4 ही गिरेगा, यहाँ पे लिखा है उसके कैप के ऊपर फॉर्मेशन किस तरह लिखा था, यूज ओनली .4 ब्रेक ऑयल ब्रेक फ्लूइड, और ये हमारा डालेंगे .4 का, ये है इनोविंडा का .4 का, ये वाला डालेंगे अभी मेरा, तो अभी अपना ये वाला लग गया है, और पंपिंग करके ब्रेक को भी टाइट कर दिया है, यहाँ से एडजस्ट करना है बस इसको, साइज़ को इसको एडजस्ट किया अभी, और अभी क्लच का काम शुरू कर रहे हैं, टाइम हो चुका है अभी 10:45 हो गया, 12 बजे तक लगता है काम ख़त्म होगा, तो यहाँ से इसको निकालेंगे, और ये हमारा जो क्लच है इसको डायरेक्ट वहाँ पर फिट करते हैं, तो उसको निकालते हैं और इसको फिट करते हैं फिर अभी। तो अभी रात के 11:20 हो चुके हैं, और अभी तक कुछ काम भी ख़त्म नहीं हुआ, तो बस हमारा जो है मास्टर सिलेंडर ब्रेक का ये वाला बस बिठा, ये वाला का नहीं हुआ, इसके लिए मेरे को कल सुबह फिर से और एक बार आना पड़ेगा, तो कल सुबह आएंगे इसको लगाने, अभी उसको रख देंगे अंदर, और गाड़ी को ऐसे ही हालत में लेके जाएंगे अभी बाइक पूरा खुला वाला था, फिर लगा दिया बाइक का पूरा, तो बाइक को यहाँ से ऐसे ही लेकर जा रहे हैं, कल सुबह आएंगे फिर लगाएंगे उसके बाद, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डांट पड़ चुका है मेरे को, 12 बज चुके हैं क्या कर रहा है, तो इसको रखते हैं इतने में ही, और ब्रेक तो अच्छे से काम कर रहे हैं, और इसका यहाँ पे ये सेंसर है ये वाला, यहाँ पे ये सेंसर है, ये थोड़ा प्रॉपरली वायर नहीं कर रहा था, तो इसको एडजस्ट करके फिर वायर करने के लिए ऐसे वायर कटिंग करके हमने कर दिया, अभी ब्रेकलेट प्रॉपरली काम कर रहा है अभी इसका, तो प्रॉपरली अभी वर्क कर रहा है, अभी इसको लेकर चलते हैं, रात का 12 बजने वाला है, और चेहरे भी मेरे 12 बजने वाला है पूरा, सुबह मतलब दोपहर के 4 बजे से आया हूँ, फुल रिटायर्ड हूँ अभी, तो मेरा एक मुंह पे 12 बज चुका है पूरा, तो चलते हैं घर, देखेंगे सुबह आके इसका बाकी काम कल सुबह करेंगे, तो निकलते हैं फिर घर के लिए। क्लच का भी सेट लग गया, इसके लिए बहुत झंझट करना पड़ा, ये सब ये वाला लगा यहाँ पे, ये फुल सिस्टम लगाया, ये जो वहाँ पे था इसको हमने यहाँ पे जो मोबाइल होल्डर का होता है इधर डाल दिया, ये वाला निकाला पूरा सेट निकाला था उसके बाद कराया, और कुछ अभी कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। तो बाइक को कैसा लग रहा है आगे से नीचे कमेंट करके बताना, और मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।